खाने का है, घर में फाके हो जाते हैं जब छुट्टी होती है, तो बहुत परेशानी होती है। और देखें, पेट्रोल महंगा कर दिया, आटा महंगा है, घी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अब मैं बैकिया चलाता हूँ तो देखें पेट्रोल कितना महंगा हो गया, सवारी भी नहीं मिलती है, हमें पता ही नहीं है कि आज आलमी दिन है कि क्या है। तो हम तो घर से निकले हैं मजदूरी के लिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका दूध लेना है, पैंपर लेने हैं, बहुत मसले मसाइल हैं सर, बंदा किधर जाए। दो दिन मिलते हैं, दस दिन नहीं मिलते हैं, तो इसलिए जो है ना लोग परेशान हैं। इनको तो आज के दिन में तो मैं कहता हूँ घर में होना चाहिए था अपने बच्चों के पास, तो ये बेचारे आज भी इधर आया हुआ है किस लिए है? उनको पता महंगाई ने इतने तूफान मचाया हुआ है, मजदूर ये सारे कोपनी आगे पीछे जब चलते तो मजदूरों की वजह से चलते, अगर मजदूर बैठ गया तो फिर तो नहीं चल सकती ये चीज़ें, तो मजदूरों को तनख्वाही जो है वो बढ़ाया जाएगा। क्योंकि डीजल महंगे है, पेट्रोल महंगे है, गाड़ियों के खर्चे नहीं पूरे होते, हमारी गाड़ियाँ नहीं लगती, हम लोग बहुत तंग हैं। वो रोटी बेचते हैं और इधर मजदूर लोग रोटी के पीछे तड़पता है, रोटी उन मजदूर को नहीं मिलता है, वो पूरा 100 रोटी 80 रोटी बांध करके बेच लेता है। ये स्कूटी सेगमा कंपनी का जो है ना, ये रोटी बेचता है, कोई देता ही नहीं है, बोलता है जाओ मैं उस पुलिस को बुलाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। इधर सब बदमाशी चल रहा है, ये गुंडों का, ये पाकिस्तान सिर्फ गुंडों के ऊपर चल रहा है। तो ऊपर से हमारा जो वज़ीर आज़म साहब है शहबाज़ शरीफ साहब, वो कह रहे कि सीमेंट सस्ता है, आटा महंगा है, तो सीमेंट ही क्या लो। हमारा एम ए तालीम है, फिर मैं मजदूरों के पीछे इधर उधर काम के लिए बाग में खुद रंग का काम करता हूँ। हाँ वही तो, हमने ईद के दिन में चलने की लेबर डे की छुट्टी नहीं की, आगे बड़ा ईद भी अगर दिहाड़ी लग गया चले जाएंगे घर, अगर दिहाड़ी नहीं लगा तो पहले कच्चा गोश्त खाएंगे सो जाएंगे। कोई 800 दाड़ी देता है, कोई 900 देता है, कोई 1000 से ऊपर, इधर मजदूरों को दाड़ी नहीं मिल रहा है। सरकारी दाड़ी, सरकारी दाड़ी तो कोई 1200 कह रहा है, कोई 1500 कह रहा है। मजदूर ये मना रहे योम मजदूर मना रहे, तो किस लिए मना रहे योम मजदूर? बस सिर्फ छुट्टी के लिए मना रहे, बस छुट्टी है बस, इसके साथ तो छुट्टी के साथ तो मुल्क का बेड़ा घर जो घर को जाते। तो छुट्टी तो वो आदमी कर सकते हैं जिसका जिसके घर में राशन हो, जिसके घर में कोई खाने पीने का कोई चीज़ हो। हम तो दिन को मजदूरी अगर मिल जाए तो वो करते, वो घर पर बेचते हैं, अगर वो बेचे नहीं तो उधर फिर दुकान वाले से उधार के उधार लेके जाते, उसी पर गुजारा चल जाते। इस शहर में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका कोई घर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स के खिलाफ कयामत वाले दिन मैं खुद मुद्दई हूंगा, जो शख्स किसी को मजदूर रखे उसे पूरा काम ले मगर उसे उजरत पूरी ना दे।